नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी बैंड BTS की बात करेंगे। इसकी लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी लोकप्रियता अब वर्ल्ड लेवल की हो चुकी है। कोरिया की सबसे बड़ी बैंड BTS के सभी सदस्यों को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मिलने के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया था, क्योंकि कोविड के बाद से ही एशियाई लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। वर्ष 2020 में वहां पर 10,000 से भी ज्यादा घटना हो चुकी है। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने BTS से मदद मांगी है। इससे पता चलता है कि BTS की सॉफ्ट पावर अमेरिका से भी ज्यादा प्रभावशाली है। BTS से मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। BTS की सॉफ्ट पावर को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। Thank you, Karine, for your kind words. Hi, we're BTS, and it is a great honor to be invited to the White House today to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion, and diversity. 놀랍고 또 마음이 안 좋았는데요. 이런 일이 근절되는데 도움이라도 도움이 되고자 오늘 이 자리를 빌어 목소리를 내고자 합니다. 서로 존중하고. 이 White House가 press conference room이에요. जहां अमेरिका के बड़े पत्रकार मौजूद थे। के पॉप म्यूजिक एल्बम में आधुनिक संगीत, लिरिक्स, डांस, कोरियोग्राफर और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन का शानदार मिश्रण होता है। के पॉप पिछले 20 वर्ष से अस्तित्व है, लेकिन के पॉप को असली लोकप्रियता 2009 से मिलनी शुरू हुई, जब दक्षिण कोरिया के वंडर गर्ल्स ग्रुप ने अपना पहला वीडियो रिलीज किया, जिसका नाम था नो बॉडी। इसी गाने से के पॉप को लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई। इसके बाद कोरिया की पॉप म्यूजिक फेमस हो गई। यह बैंड उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन के सामने भी परफॉर्म किया है। BTS की लोकप्रियता की वजह से कोरिया को हर साल 27,000 करोड़ का फायदा होता है। जब भी BTS का नया एल्बम रिलीज होता है, तब BTS से जुड़ी हर प्रोडक्ट का सेल तेज हो जाती है। BTS से प्रभावित होकर प्रत्येक साल दक्षिण कोरिया में 8 लाख लोग घूमने जाते हैं। आज BTS की फैन पूरी दुनिया में है। BTS के लेस्ट का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। BTS में 7 एक्टर होते हैं। अगर आप इनके लाइफस्टाइल के बारे जानना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका BTS के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें।